अम्ल और क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने हल्दी में सर्फ डाला था और सर्फ क्षारक होता है तो उसने हल्दी के रंग को लाल कर दिया। अब हम इसमें अम्ल डालेंगे तो ये देखेंगे कि ये लाल रंग ख़त्म हो जाता है या नहीं। इसके अंदर अब हम अम्ल डालेंगे। तो इस क्रियाकलाप में हमने क्या देखा, अम्ल और क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण बोला जाता है। जब अम्ल और क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं तो जो पदार्थ बनता है वो उदासीन होता है, वो ना तो अम्ल होता है ना ही क्षारक होता है और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहा जाता है। तो ये हमने उदासीनीकरण क्या क्रियाकलाप किया है। अब अगर हम देखते हैं इसके अंदर अगर हम क्षारक डालते हैं दोबारा से तो क्या वो लाल हो जाएगा। थोड़ा सा सर्फ फिर डालकर देखो इसमें। देखो डालते ही इसमें लाल रंग आ गया। देखो दोबारा से लाल रंग हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसमें क्षारक ज्यादा हो गया, क्षारक का प्रभाव आ गया है हल्दी के ऊपर। पहले तो अम्ल ने क्षारक के प्रभाव को खत्म कर दिया था लेकिन अभी इसमें हमने दोबारा से सर्फ डाला है जो कि क्षारक है, तो क्षारक का प्रभाव इसके ऊपर आ गया है तो इससे ये लाल रंग हो गया।